नरसिंह कर्मियों ने फिर चुनाव करवाने की रखी मांग। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, का पिछला चुनाव हुआ गलत तरीके से। अजमेर जेहलम के नरसिंह कर्मी आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पिछले दिनों हुए जेहलम चुनाव को दोबारा करवाने की मांग की है। नरसिंह कर्मियों ने इल्जाम लगाया कि पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे वे सरासर गलत तरीके से हुए हैं। नरसिंह कर्मी गीता जैन ने इल्जाम लगाया कि पिछले दिनों अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें गंगाराम जाधव ने गलत तरीके से चुनाव कराए हैं, जिसमें चुनाव अधिकारी ने चुनाव निरस्त कर दिए थे। तभी गंगाराम जाधव की पार्टी ने दूसरा चुनाव अधिकारी नियुक्त करके चुनाव करवा लिए और जेएलएन के कई कर्मी चुनाव में अपना वोट नहीं डाल पाए। लिहाजा नरसिंह कर्मी ने मांग की कि फिर चुनाव करवाया जाए। जी सर, क्या है पूरा मामला? सर, पूरा मामला ये है कि राजस्थान एसोसिएशन अजमेर में हमेशा हर दो साल में चुनाव होते हैं। विगत चार वर्षों से चुनाव नहीं हुए और इस हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्याम सिंह जी उनके कहने पर ही चुनाव होंगे, लेकिन यहाँ अजमेर में षड्यंत्र पूर्वक राजस्थान एसोसिएशन के चुनाव कराए गए, जिसमें मुख्य चुनाव अधिकारी श्री नरेंद्र जी दायमा को बनाया गया था लेकिन वोटिंग लिस्ट हम 1200 स्टाफ और 500 स्टाफ की वोटिंग लिस्ट बनाई गई। इसको लेकर हमने विरोध भी किया था, मीडिया में भी आया था कि हमें चुनाव में सभी को पूरा अधिकार दिया चाहिए और अपना मत का प्रयोग करने का मौका देना चाहिए। तकरीबन 1200 स्टाफ है, 1200 को मौका दीजिए, लेकिन 1200 स्टाफ को मौका नहीं दिया गया। चुनाव इस तरीके से कराए गए जिन्होंने खुद अपने ही वोटरों की सदस्यता दिलाकर अपने ही वोट डलाए, और उसके बाद जब ये मांग मुख्य चुनाव अधिकारी नरेंद्र जी दायमा के पास पहुंची कि ये गलत हो रहा है, तो चुनाव अधिकारी महोदय ने इस चुनाव को निरस्त कर दिया। 15 तारीख को चुनाव निरस्त कर दिया गया, उसी रात को उन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक नए चुनाव अधिकारी नियुक्त करके चुनाव करा दिया, जो बिल्कुल सरासर गलत है, जिसमें बिल्कुल 1200 स्टाफ को मौका नहीं दिया गया। इसका जलन अजमेर के नरसेज में विरोध है और हमने इसका विरोध पहले भी दर्ज कराया था और आज हम जिला कलेक्टर महोदय से मिलना है कि इन चुनाव को निरस्त करके अपने पूर्ण तरीके से संवैधानिक तरीके से आप चुनाव अधिकारी नियुक्त करके चुनाव कराए, ताकि सारे नरसेज में संतुष्टि हो। आपका परिचय? इंसाफ खान, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान एसोसिएशन अजमेर। किस चीज के चुनाव हुए थे और कहाँ हुए थे और क्या है पूरा मामला आपका? अभी हमारे राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के चुनाव हुए थे जिला अध्यक्ष पद के लिए, उसमें मैं खुद मतलब खड़ी हुई थी, मेरे अगेंस्ट में डॉक्टर गंगा शरण जाटव खड़ा हुआ था। तो ये जो पूरा चुनाव हुआ ये षड्यंत्र पूर्वक हुआ है और गलत तरीके से हुआ है। मतलब आदेशों, जब चुनाव अधिकारी मुख्य था उसने चुनाव निरस्त कर दिए, उसके बाद ये चुनाव हुआ है। सेकेंड जो चुनाव अधिकारी था उमेदमल टेलर, उसने भी अपना रिजाइन दे दिया, उसके बाद भी इन्होंने चुनाव कराए। इवन तो जो हमारा संयोजक था मेन, उसने भी रिजाइन कर दिया, फिर ये चुनाव कैसे हुआ सर? तो ये षड्यंत्र पूर्वक हुआ और असंवैधानिक तरीके से हुआ है। और टोटल कर्मचारी हमारे जिन्होंने वोट दिए ही नहीं है, 500 कर्मचारी अलग रह गए, उनको भी वोट वंचित रखा गया अपने मत का वोट के अधिकार करने के लिए। आज किससे मिलने आए और क्या मांग रखी है आपने? आज हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं और ये चुनाव निरस्त कराने के लिए आए हैं। पूरे तरीके से मतदान हो, सारा स्टाफ एक जगह पे हो। अगर नहीं होते तो फिर क्या करेंगे? हम साहब से निवेदन करेंगे ये चुनाव निरस्त कराए जाए। ठीक, आपका नाम बता दीजिए। गीता जैन।